स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स जारी है। शो के करंट ट्रैक में जहां हम देखते हैं कि रोहित और रूही अपने मैरिड लाइफ में काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जी हाँ, वहीं रूही अपनी शादी खत्म करने का फैसला भी करती है और इसलिए वह रोहित को तलाक के कागजात सौंपती है। हालांकि रोहित अभी भी रूही से प्यार करता है, वह अतीत को भूल नहीं पा रहा, लेकिन अब रूही ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं जब तीज उत्सव में जब रूही पोद्दार हाउस में आती है तो फिर एक नया प्यार ही देखने को मिलता है। जी हाँ, शो में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है जब रूही तलाक के कागजात छीन लेती है और फिर उसे गुस्से में फाड़ भी देती है, यानी रूही को रोहित के सच्चे प्यार और कीमत का एहसास होता है और फिर वह अपनी शादी को दूसरा मौका देना चाहती है। वहीं इसके आगे शो में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, तो क्या आगे भी रोहित और रूही के बीच प्यार की ये नई शुरुआत उतनी ही खूबसूरत होने वाली है जितनी हम उम्मीद करते हैं, या फिर रूही एक बार फिर से रोहित के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए आतुर होगी? आखिर रूही की असलियत क्या है? आखिर रूही बार बार अरमान की बातें क्यों मानती है? So wait and watch for upcoming twists and turns in serial रिश्ता क्या कहलाता है। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.